वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा अर्जुन TVS धनबाद को, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प की है। तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप शोरूम आ सकते हैं कॉल करके। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और फिट होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसका टॉपिक है अपाचे 164V, स्पेशल एडिशन है ये। तो आइए जानते हैं क्या फ़ीचर है, क्या ऑन रोड प्राइस है। सबसे पहले मैं चाबी से स्टार्ट करूँगा, की से। तो इसमें आपको वेव की मिल जाता है, और की में आपको ऐसा TVS का लोगो मिल जाता है, और पीछे में आपको TVS रेसिंग की लोगो मिल जाती है। मैं आपको DRL दिखा देता हूँ ऑन करके एक बार। तो DRL कुछ इस प्रकार से दिखता है, एक बार मैं आपको DRL जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट अटैच करने के लिए मिल जाता है अटैचमेंट। यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाती है DRL के साथ, और यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाते हैं देखने को, और यहाँ पे आपको सेम, और यहाँ पे आपको स्मार्ट X कनेक्ट की बैजिंग मिल जाती है। और बात करें मडगार्ड की, तो आपको मडगार्ड इसमें मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है, मैट फिनिश ब्लैक में, और फ्रंट में आपको TVS रेसिंग का स्टिकर मिल जाता है देखने को। और टायर की बात करें तो आपको इसमें टायर साइज़ मिल जाता है 90x90 17 इंच, 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं आपको रेड कलर के, जो कि काफ़ी स्पोर्टी दिखते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ये बाइक सिंगल चैनल ABS में आती है, और जो डिस्क का साइज़ है वो आपको 270 mm का मिल जाता है देखने को, जो कि पैडल डिस्क ब्रेक है, जो कि आपको ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। और कुछ इस प्रकार का शॉकर आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। तो आपको डस्ट प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। आ जाते हैं साइड लुक पे, तो आपको साइड लुक से काफ़ी स्पोर्टी दिखेगी पूरी बाइक, मैट फिनिश में, मैट ब्लैक में। तो आपको और टैंक पे देख सकते हैं आपको 3D लोगो मिल जाती है देखने को TVS की ओर से। यहाँ आपको स्टीकर मिल जाता है देखने को, और टैंक पूरी मैट फिनिश में, और आपको बीच में स्ट्राइप मिल जाती है रेड ग्लॉसी पेंट में, जो कि अलग सा पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ से आप फ्यूल लिड खोल सकते हैं, और आपको इसमें E20 फ्यूल का भी सपोर्ट मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो आपको 12 लीटर की मिल जाती है, और माइलेज की बात करें तो आपको 40-45 की माइलेज मिल जाती है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी है। आ जाते हैं इंजन की ओर, तो इसमें आपको काफ़ी शानदार इंजन देखने को मिल जाता है, 159 cc 4 stroke 4 valve ऑयल कूल के साथ ये आती है। और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो आपको देखने को मिल जाती है 7.2 HP एट 9250 RPM पे, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है 14.7 Nm का मिल जाता है, जो कि 7250 RPM पे डिलीवर करती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस सेगमेंट के हिसाब से। और नीचे में आपको अंडर बैली मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिल जाती है HyperH की। और कुछ इस प्रकार का आपको फ्रंट पैडल मिल जाता है देखने को, और यहाँ पे ब्रेक पैडल आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको सेंटर स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको 180 mm की मिल जाती है आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी अच्छी है इंडियन रोड के हिसाब से। और साइड में आपको यहाँ पे अपाचे का स्टिकर मिल जाता है वाइट में, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। और बात करें इसकी, तो आपको इसमें काफ़ी स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। देखने को मिल जाता है आपको, बात करें रेयर फुटरेस्ट की, तो आपको देखने को मिल जाता है मेटल में, और इसमें आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है रेयर में, जो कि रेड कलर का है, जो कि स्पोर्टी दिखता है। और बात करें रेयर टायर साइज़ की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है 130/70 R17 इंच। इसमें आपको रेयर में जो डिस्क का साइज़ देखने को मिल जाता है वो है 200 mm, जो कि पेडल डिस्क ब्रेक है, जो कि उतनी हीट नहीं होती है। और पीछे में आपको टायर हगर मिल जाता है देखने को, कुछ ऐसा लुक है। तो इसमें आपको LED टेल लाइट मिल जाती है देखने को। सीट ओपन करने के लिए यहीं पर आपको की होल मिल जाती है, और यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों साइड, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है देखने को, और यहाँ पे आप अपना नंबर अटैच कर सकते हैं नंबर प्लेट। और यहाँ पे आपको रियर में रिफ्लेक्टर मिल जाती है सेफ्टी के तौर पे,
और बात करें ग्रैब हैंडल की, तो इसमें आपको यूनिक मिलता है थोड़ा लुक वाइज। और सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। और इसमें आपको रेड एक्सेंट मिल जाते हैं जो कि स्पोर्टी दिखा रही है पूरी बाइक में, जो कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी पे। और बात करें दूसरी साइड की, तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाती है और रियर फुटरेस्ट भी मिल जाती है देखने को। और इसमें आपको चेन कवर नहीं मिलती है, नॉर्मल चेन मिलती है। यहाँ पे कुछ आपको स्टिकर मिल जाती है टायर प्रेशर से रिलेटेड, और यहाँ पे रियर फुटरेस्ट। और मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथ है स्विफ्ट वॉइस। और इसमें आपको यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है RT5। TVS ने इसे रेस ट्यून के साथ इंट्रोड्यूस किया है जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी आपको पंची लगेगी चलाने में, और टैंक का कुछ सेम लुक है। और यहाँ पे आपको RTR160 की 3D लोगो मिल जाएगी। तो मीटर की ओर, तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल मीटर। यहाँ पे आपको फ्यूल मिल जाती है देखने को, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको RPM देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का साइन दिख रहा होगा। ये कनेक्ट फीचर के साथ आती है, ऐप के द्वारा इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन मोड में। अभी इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अर्बन, स्पोर्ट्स और रेन। आप सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको मीटर में बटन भी मिल जाते हैं टाइम सेट करने के लिए। और इसके नीचे आपको इंजन चेक लाइट मिल जाती है, ABS की लाइट मिल जाती है आपको, टर्न सिग्नल की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल का सिग्नल मिल जाता है आपको, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाती है देखने को। और इसकी हैंडल आपको स्ट्रेट पाइप मिल जाती है जो कि कंफर्टेबल है। बात करें स्विच गियर की, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है देखने को, यहाँ पे कनेक्ट फीचर के लिए मिल जाता है आपको बटन, यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाती है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे पास स्विच की अलग से स्विच दिए हुए हैं। और इसमें एक आपको यूनिक फीचर मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, ये आपका क्लच और इधर ब्रेक में भी सेम आपको मिल जाता है एडजस्टमेंट करने के लिए। और इस साइड आपको इंजन पिल स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे मोड सेलेक्ट करने के लिए बटन मिल जाता है आपको, यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है देखने को, और कुछ इस प्रकार के मिरर मिल जाते हैं आपको देखने को। और इस बाइक की प्राइस की बात करें तो आपको एक्स शोरूम 1,35,000 से शुरू हो जाती है। आप अपने नज़दीकी डीलर से पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रही है। सो इसी टॉपिक के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।